तो जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो SSCGD का जितने भी भाई का फिजिकल सेंटर जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में अगर फिजिकल है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोगों को बात कीजिए, जलपाईगुड़ी में BSF के 3 से 4 सेंटर है फिजिकल का, बहुत ज़्यादा भाई को परेशानी होने वाली है। आप सभी को मैं जानकारी फुल दूंगा कि STC BSF कैंप कहाँ पर है और आप लोगों का जो बैकुंठपुर में, आप सभी को मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आप लोग का STC BSF कैंप कहाँ पर है। और एक आप लोग का वहां पे और एक कैंप है, आप लोग को पता होगा रानी नगर में जो है हेडक्वार्टर BSF कैंपस जो है रानी नगर में भी है। जलपाईगुड़ी में बात की जाए तो BSF की तरफ से 3 कैंपस जो है बनाया गया है, जिसमें कि पहला कैंपस रानी नगर में है जो कि 15 बटालियन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक और रानी नगर में जो है बटालियन है जिसमें कि आप लोग का HQ हेडक्वार्टर, आप लोग का जो है BSF कैंपस है वो भी आप लोग का रानी नगर में है। और एक आप लोग का बैकुंठपुर में जो है STC नाम से जाना जाता है BSF कैंपस, जिसका ये एडमिट कार्ड पर देख सकते हैं इसी का है। आप लोग का जो बैकुंठपुर में फिजिकल सेंटर है उसको 195 बटालियन से भी जाना जाता है BSF कैंपस। सबसे पहले बात करते हैं बैकुंठपुर वालों का, जितने भाई का बैकुंठपुर STC BSF कैंपस में फिजिकल होगा तो आप लोग का जलपाईगुड़ी जाना पड़ेगा। अगर आप लोग जो है, आप लोग अपना स्टेशन से चेक कीजिएगा ट्रेन, अगर आप लोग को सिलीगुड़ी के लिए ट्रेन मिल जाएगी तो वहाँ से आप लोग का काफ़ी ज़्यादा सेंटर नज़दीक पड़ेगा। आप लोग का जो है 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर सिलीगुड़ी से है जितने भाई के बैकुंठपुर फिजिकल सेंटर है। और आप लोग अगर जलपाईगुड़ी स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ से बात कीजिए तो लगभग आप लोग को 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर फिजिकल सेंटर है। यहाँ से आप लोग को जलपाईगुड़ी से लगभग 100 से 150 रुपया जो है आप लोग का भाड़ा लगेगा, गाड़ी का भाड़ा। वहाँ से भी आप लोग को डायरेक्ट मैजिक मिल जाएगी तो वहाँ से 100 या 150 रुपया लेगा, आप लोग का जो है फिजिकल सेंटर के पास में लाकर उतार देगा। बात तो आप लोगों का रहने और खाने का सुविधा बैकुंठपुर में मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जितने भी भाई का STC BSF कैंपस होगा आप लोगों को जो है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वहाँ रनिंग का बात कीजिए, रनिंग ट्रैक में आप लोगों का बैकुंठपुर में रोड है और आप लोगों को रोड पे ही रनिंग होने वाला है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का रोड पे रनिंग होने वाला है बैकुंठपुर में। SSCGD के लगभग 90 से 95% फिजिकल सेंटर पे आप लोगों का जो है रोड पे ही रनिंग होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं जितने भाई का जो है रानी नगर में फिजिकल सेंटर है जो कि हेडक्वार्टर HQ BSF कैंपस जो है वहाँ पर फिजिकल सेंटर है, तो उन लोगों के लिए रानी नगर के लिए सबसे पहले आप लोगों का जो है जलपाईगुड़ी जाना है। जलपाईगुड़ी जाकर आप लोगों का रानी नगर के लिए ट्रेन जाती है, वहाँ से लगभग 2 से 3 ट्रेन है जलपाईगुड़ी से रानी नगर के लिए, तो वहाँ पे आप लोग जलपाईगुड़ी से जाकर ट्रेन चेंज कर सकते हैं। आप लोग जो है रानी नगर से बात कीजिए, जो कैंप है वो आप लोगों का 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है रानी नगर से, आप लोग का जो है रानी नगर में जो कैंप है। और बात कीजिए जलपाईगुड़ी से अगर आप लोग जाते हैं तो ऑटो वगैरह से, तो आप लोगों को सबसे पहले जलपाईगुड़ी से ऑटो पकड़ना पड़ेगा और एक हाईवे है वहीं पे जो है जलपाईगुड़ी में, वहीं पे आप लोगों का ऑटो वाला उतारेगा, लगभग 15 से 20 रुपये चार्ज लेगा ऑटो वाला। तो आज हम बात करने वाले हैं SSCGD का स्टेबल 2025 के बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से आता है। अगर आप SSCGD का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो बेस्ट बुक रहने वाला है। इस बुक में बात की जाए तो 750+ बहुमूल्य प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। SSCGD प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन 2019, 2021, 2023 और 2024 में आए थे सारा क्वेश्चन आप लोगों का हॉल के साथ देखने के लिए मिल जाएगा इस बुक में। बहुत सारा भाई इस बुक को पढ़ के अपना जो है सिलेक्शन लिए हैं, तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो है बेस्ट बुक रहने वाला है। तो बुक के साथ SSCGD का चक्षु प्रकाशन की तरफ से कॉम्बो पैक भी आता है मैथ, रीजनिंग और GK हिंदी का, जिससे आप लोग पढ़ के अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप बुक और कॉम्बो पैक परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। और उतारने के बाद आप लोग का जो बस पे बैठना पड़ेगा, बस वाला भी आप लोगों को 20 से 25 रुपये चार्ज लेगा। और आप लोगों को जस्ट सेंटर के बगल में, आप लोग का हाईवे के बगल में ही सेंटर है जो रानी नगर में जितने भाई का फिजिकल सेंटर है, वहीं पे आप लोगों को उतार देगा और गेट पे ही आप लोगों को उतार देगा और वहाँ से आप लोग जा सकते हैं सेंटर पर। सेंटर का बात कीजिए, जितने भाई का रानी नगर में फिजिकल सेंटर होगा वहाँ पे आप लोगों का रोड है रनिंग में, रनिंग ट्रैक बात कीजिए तो काफ़ी अच्छा है रानी नगर का। और आप लोगों का जो है रहने और खाने का सुविधा का बात कीजिए तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे ही आप लोग बस से उतरिएगा वहाँ पर लड़के रहेंगे, पहले से ही आप लोग उसके साथ जा सकते हैं। नगर का भी आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी और बैकुंठपुर का जो है आप लोगों का जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आप सभी को और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, चलते हैं।